हालेलुया। और इस हद तक वो तुझे स्थापित करना चाहता है कि तेरा नाम लोग याद रखे। पहला क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास, उसका 22 अध्याय, उसका 10वां वचन को अगर हम पढ़ेंगे, पहला इतिहास 22 का 10, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 22 का 10, वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, वो मेरा नाम का भवन बनाएगा, वही मेरा पुत्र ठहरेगा, वो मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। हालेलुया। अगर ये लिखा हुआ था, ये भविष्यवाणी हमारा मंडली के लिए है, जो उसका नाम का भवन को बनाएगा। बाइबल कहता वो मेरा पुत्र बनेगा और मैं उसका पिता बनूंगा और वो सदा के लिए पूरे इज़राइल में, हमारे बोली के हिसाब से पूरा ओडिशा में, पूरा इंडिया में मैं उसका नाम को स्थापित करने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रकाशन पाने का इच्छा से जब आप वचन पढ़ेंगे, हर वचन आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा है तो ये वचन को हम अपनाएंगे। वहां लिखता है, जब पीएफसी मेरा नाम के लिए भवन को बनाएगा, पीएफसी मेरा बेटा बनेगा और मैं पीएफसी का पिता बनूंगा और मैं पीएफसी का सेवकाई को पूरा ओडिशा में स्थापित करने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उसको वचन में स्थिर रहना है, क्योंकि उस वचन में तेरा उन्नति के बारे में लिखा है, उस वचन में तेरा फलदायक होने के बारे में लिखा हुआ है, उस तेरा परिस्थिति भी कैसे भी हो, जब तुम उसका वचन में स्थिर बनोगे, तेरा भविष्यवाणी तुम खुद पालोगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज तक तू भविष्यवक्ता को सुन रहा था, तो आज से तुम खुद तुम्हारे लिए भविष्यवक्ता बन जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आप सुने नहीं, आप सुने नहीं। आज तक अगर आप भविष्यवक्ता से सुनने के लिए इच्छा रख रहे, तो आज से लेके तुम तुम्हारे जिंदगी का भविष्यवक्ता बन जाए, यीशु के नाम में। हालेलुया। एक भविष्यवक्ता हमेशा वो बोलता है जो वो देखता है, जो देखने वाले चीजें बोलता है वो ऐसे ही संपूर्ण हो जाता है। अगर ऐसा है तो तेरा जिंदगी का भविष्यवक्ता तू ही है, तुझे कहीं से एक भविष्यवक्ता का जरूरत नहीं। जब तुम वचन में स्थापित रहोगे, तेरा आंख खुलते ही यह दिखेगा कि वो तुझे आशीष करने वाला है, और तो भविष्यवक्ता होने के नाते उस वचन को स्वीकार करते हुए तुम बोलोगे, मैं भविष्यवाणी करता हूं, क्योंकि ये यहोवा का वचन कहता है, मैं आशीषित हूंगा। और तुम देखोगे तुम्हारा बोली के कारण, तेरा विश्वास के कारण तुम निश्चय आशीषित हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते होंगे, सर ऐसा तो सब स्थिर हो जाएंगे क्या, ऐसा तो सब कोई स्थापित हो जाएंगे, सबका घर अच्छा हो जाएगा क्या? बाइबल उसका प्रोसेस में सब चीजों के बारे में सही तरह विवरण करता है। वचन संहिता उसका 7वां अध्याय, उसका 9वां वचन में आपका उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, क्या सब कोई स्थापित हो पाएंगे, स्थिर हो पाएंगे कि नहीं। वचन संहिता 7वां अध्याय, उसका 9वां वचन, भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो, दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर का मन, परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में मैं पढ़ रहा हूं, हो लेट द विकेडनेस ऑफ द विकेड कम टू एन एंड, बट एस्टैब्लिश द जस्ट फॉर द राइटियस गॉड ट्राइज इन हार्ट
एंड रेन। संस्कार यह होता है कि परमेश्वर धर्मी को स्थापित करेगा। धर्मी के बारे में हमेशा परमेश्वर का नसों में, परमेश्वर का हृदय में एक ही इच्छा रहता है कि वो धर्मी को स्थिर करे, स्थापित करे, पर दुष्ट कभी भी स्थापित नहीं हो सकता है। हालेलुया। अगर है तो इस एतवार के समय में तुम दुष्ट है तो तुझे धर्मी बनने का जरूरत है, क्योंकि धर्मी बने बिना तू स्थापित नहीं हो सकता है, स्थिर नहीं हो सकता है, दुष्ट का अंत होगा। आमेन। ऐसा तो प्रभु का दास होने के नाते तेरे जिंदगी के ऊपर घोषणा करता हूं, तेरे जिंदगी के विरुद्ध दिखाने वाले हर एक दुष्टता खत्म हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन संगीता उसका 89 का 2 में ऐसा लिखा हुआ है, इस तरह अगर तुझे स्थापित होना है तो, स्थिर होना है तो तुझे क्या करना है। वचन संगीता 89 का 2 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। परमेश्वर की करुणा सदा बने ही रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रख। ओ, उसने स्वर्ग में अपने सच्चाई को स्थिर करके रखा है। हालेलुया। मेरा भाई, मेरा बहन, तुम इसलिए आशीषित होगा क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर का सच्चाई हमेशा स्थिर है। तू ज्यादा प्रार्थना करे या ना करे, तू आए या भाग जाए, तू अच्छा रहे या बुरा रहे, उसका वायदा है तो हमेशा स्थिर है। जिस दिन तुम स्थिर बनोगे, उसका वायदा जो स्थिर बना चुका है वो संपूर्णता में आते हुए तुम निश्चय देख पाओगे। हालेलुया। उसका मतलब यह है, जिस दिन तुम वचन में स्थिर रहोगे, उस दिन वचन में स्थिर किया हुआ आशीष तेरा जिंदगी में दिखना चालू करेगा। हालेलुया। हम हमेशा वॉकी टॉकी, हम जानते हैं वॉकी टॉकी, जानते हैं आप लोग, पुलिस लोग इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं वॉकी टॉकी। दो पीस रहता है, ऐसा दो पीस रहता है, उसमें एरियल रहता है, और उसमें एक यहां रहने वाले व्यक्ति और उस रेंज जितना भी दूर है, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जितना भी दूर में है, जिसका सेम फ्रीक्वेंसी में ट्यूनिंग करके रखते हैं, वो एक दूसरे का आवाज को सुन सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको वॉकी टॉकी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा रेडियो को देखिए, आकाशवाणी का एक फ्रीक्वेंसी है। जब हम मोबाइल में अपने रेडियो चलाने का कोशिश करें या हमारे रेडियो का डब्बा में हम कोशिश करें, आकाशवाणी का उस सिग्नल में जब आपका सिग्नल को मिलाएंगे, आप खबर को अच्छा तरह सुन पाएंगे, गाना को अच्छा तरह सुन पाएंगे। उसी रीति में परमेश्वर अपने सच्चाई को स्वर्ग में स्थिर करके रखा हुआ है और उसका सच्चाई वचन के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर स्वर्ग में बोला है कि 2000 तुम जन्म लेने से पहले बोला है कि जिम्मी को मैं आशीष करने वाला हूं, एलिस को मैं आशीष करने वाला हूं। परमेश्वर स्वर्ग में उसका वचन को सच्चाई के चलते स्थिर कर चुका है। पर वो क्यों हमारे जिंदगी में नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी तक हम ट्यूनिंग नहीं किए हैं। पर जिस वक्त तुम वचन में स्थिर हो जाओगे तो परमेश्वर का फ्रीक्वेंसी में, परमेश्वर को सिग्नल को पकड़ने लायक तुम बन जाओगे, उसी वक्त परमेश्वर उसके वचन के द्वारा स्थिर किया हुआ हर एक आशीष तेरा जिंदगी में दिखना, सुनना और अनुभव करना चालू करोगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं?
अगर तुम समझ रहा है तो आज मैं घोषणा करना चाहता हूं, तेरा सिग्नल कहीं भी हो, आज स्वर्ग का स्थापित किया हुआ उस सच्चाई का वचन का सिग्नल से तुम्हारा वचन में स्थिर होने के चलते दोनों सिग्नल मिल जाए और तुम तुम्हारी जिंदगी में स्थापित हो जाए, तेरा उन्नति को तू पाए, तू सिद्धता में आगे बढ़े यीशु के नाम में। हालेलुया, ताली बजाने वाले जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 2018 पूरा नहीं लगेगा तुझे स्थापित होने के लिए, जिस दिन तेरा सिग्नल स्वर्ग का सिग्नल से मिलेगा उस दिन से लेके तेरा उन्नति चालू हो जाएगा, तेरा बढ़ोतरी चालू हो जाएगा, तेरा धन कमाने का सामर्थ्य बहना चालू हो जाएगा। मेरा प्रार्थना यह है कि तुम देरी ना लगाए, तेरा शुरुआत आज ही हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्ग में सब चीज को स्थिर करके रख चुका है और बाइबल कहता है वो विश्वस्त है। हालेलुया, वो विश्वस्त है। रेलवे स्टेशन में अगर हम देरी में जाएंगे, ट्रेन विश्वस्त नहीं है रुकने के लिए, ट्रेन पार हो जाएगा। एयरपोर्ट में 2 घंटा पहले तुम नहीं पहुंचोगे तो एरोप्लेन विश्वस्त नहीं है रुकने के लिए, वो उड़ जाएगा। पर ये परमेश्वर जो है, जो तुम्हारा परमेश्वर है, जो पीएफसी का परमेश्वर है, जो पास्टर जिमी का परमेश्वर है, जो अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वो इतना विश्वस्त है, वो आज भी तुम्हारे लिए मेरे लिए वेट कर रहा है। जिस समय तुम वचन में स्थिर हो जाओगे, तेरा उड़ने का समय आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है उसने मेरा कंगाली से मुझे उठा के राजाओं के साथ मुझे बिठा चुका हुआ। हालेलुया, अगर तू पाना है तो पाओ। इस इतवार का समय में तेरा स्थिरता के ओर उड़ने का समय आ चुका है, तेरा परिवार का स्थिरता की ओर उड़ने का समय आ चुका है। ओ तुझे धन बनाते हुए ऊंचाइयों में पहुंचने का, ओ बल पाने का समय आ चुका है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन संगीता 1990 उसका 17वां वचन, वचन संगीता 90 उसका 17वां वचन। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय तेरा सिग्नल परमेश्वर का सिग्नल से मिलेगा, सबसे पहले परमेश्वर का खूबसूरती तेरे ऊपर आ जाएगा, परमेश्वर का खूबसूरती तेरा परिवार के ऊपर आ जाएगा, परमेश्वर का खूबसूरती तेरा मंडली के ऊपर आ जाए। तुमको लगता होगा तू कोयले जैसा काला है, पर जब उसके खूबसूरती आएगा तू सबसे खूबसूरत बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सोलोमन राजा के बारे में पढ़ते हैं, इथियोपिया का एक रानी को जो बहुत खाली थी, और उससे जब वो शादी किया, उसका खूबसूरती के बारे में विवरण करते हुए सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में कुछ चैप्टरों को बिताता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का खूबसूरती तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, आज तेरा परिस्थिति कैसे भी हो, तेरा खूबसूरती का गुणगान पूरा उड़ीसा में हो जाए, पूरा इंडिया में हो जाए, पूरा रोरखला में हो जाए, पूरा चेन्न में हो जाए, जहां तुम निवास करेगा वहां उसका खूबसूरती तेरे ऊपर आने के चलते तेरे नाम लोग जानना चालू करे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है परमेश्वर की खूबसूरती तुम्हारे ऊपर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब उसका खूबसूरती तुम्हारे ऊपर आएगा, आगे पढ़िए क्या होगा, वो हमारे हाथों का काम को हमारे लिए स्थिर करेगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर की खूबसूरती तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम जिस भी चीज में हाथ लगाए वो निश्चय स्थिर ही होगा। तो बिजनेस चालू करे, तेरा बिजनेस स्थिर होगा।
तू चैनल चालू करे तेरा चैनल स्थिर होगा, और तू चर्च चालू करे तेरा चर्च स्थिर होगा, तू दुकान खोले तेरा दुकान स्थिर होगा, तू कोई भी बिजनेस में अपने हाथ को लगाए वो स्थिर होगा। मैं आज घोषणा करता हूं यीशु के नाम में, परमेश्वर का खूबसूरती तेरे ऊपर आ जाए, तेरा हाथ का हर एक काम को वो स्थिर करे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार लोग बोलते हैं सर मैं खुशी रहने समय में मेरा चेहरा तो खिलता है, पर जब मैं उदासी में रहता मेरा चेहरा सूख जाता है। अगर तेरा चेहरा आज सूखा हुआ तो मैं प्रभु के दास होने के नाते मैं घोषणा करता हूं उसकी खूबसूरती तेरा चेहरा के ऊपर आ जाए। हालेलुया। ओ उसका खूबसूरती जब तेरा चेहरा के ऊपर आएगा, तेरा परिवार से सबसे खूबसूरत तुम बन जाएगा, तेरा मंडली का सबसे खूबसूरत तुम बन जाएगा, तेरा गांव का सबसे खूबसूरत तू बन जाएगा, और जो कुछ तुम काम तेरा हाथ से करोगे वो स्थिर हो जाएगा। हालेलुया। पुराने समय में लोग बोलते हैं इसका हाथ अच्छा है, इसका हाथ पेड़ डालने से वो पेड़ अच्छा तरह उगता है, इसका हाथ अच्छा है, ये मछली काटने से उसका टेस्ट अच्छा आता है, इसका हाथ अच्छा है, ये अगर हाथ से दे तो फलदायक हो जाता है। मैं घोषणा करता हूं वो एक तुम बन जाए यीशु के नाम में, वो एक तुम बन जाए यीशु के नाम में, वो एक तुम बन जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज तक तेरा परिवार के लिए तू श्राप का कारण बना है तो मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी घोषणा करता हूं, आज से लेकर तेरा परिवार के लिए तू आशीष का कारण बनने वाला है, तू उन्नति का कारण बनने वाला है, तू बढ़ोतरी का कारण करने वाला है। वो एक दाऊद था जिसको छुपा के रखा था, जब नबी आके पूछा कि तुम्हारा बेटे लोग में से कितना है, वो एक एक बेटा लोग आके खड़ा किया, पर परमेश्वर की आत्मा ने बोला ये कोई भी मेरा कैंडिडेट नहीं है राजा बनने के लिए। तो उस पिता ने बोला एक है जिसको हम दिखाते नहीं हैं, एक है जिसको हम छुपा के रखते हैं क्योंकि उसका कोई योग्यता नहीं है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर तुझे लोकेट करे यीशु के नाम में, तेरा नौकरी का स्थान में परमेश्वर तुझे लोकेट करे, ओ तेरा तेरा नौकरी का स्थान में परमेश्वर तुझे लोकेट करे, ओ तेरा गांव में परमेश्वर तुझे लोकेट करे, तेरा गांव में परमेश्वर तुझे लोकेट करे, क्योंकि तू छुपने के लिए नहीं बल्कि प्रकट होने के लिए बुलाया गया है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। नौ महीना और नौ दिन जब बच्चा पेट में रहता है उस समय तक वो छुपा हुआ है, पर नौ महीना के बाद कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक समय आएगा जो छुपा हुआ आनंद के कारण प्रकट होने वाला है। हालेलुया। ऐसा तो मैं घोषणा करता हूं ये मार्च महीना में तुम्हारा मैनिफेस्टेशन का महीना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। लेट द गुडनेस इन यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ ऑफ मार्च इन द नेम ऑफ जीसस। लोग तेरा अहमियत को जाने यीशु के नाम में, लोग तेरा अभिषेक को पहचाने यीशु के नाम में, लोग तेरा खासियत को जाने यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ये बात बोल रहा मैं महसूस कर रहा परमेश्वर का नबी लोग को परमेश्वर निकाल चुका है तुझे लोकेट करने के लिए, ताकि तेरे घर से तुझे उठाए, तेरा परिवार से तुझे उठाए, तेरा परिस्थिति से तुझे उठाए, और बोले जो तूने सोचा है कि कोई काम का नहीं है यही मेरा चुना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कंपटीशन आपको छुपा सकता है, पर अभिषेक ज्यादा दिन छुपा के रहने वाला चीज नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद
के विषय में दाऊद को छुपाया गया, सोल के विषय में सोल चुप रहा था, पर जब समय आया, जब परमेश्वर की खूबसूरती वो लोगों के ऊपर प्रकट हुआ, वो चुप नहीं सके। उसका दीन परिस्थिति से एक जो चरवा रहा था, एक जो गदा ढूंढ रहा था, पर दोनों राजा का ऊंचे पदवी में उठा दिए गए। हालेलुया। तुम चरवा रहा होगा, नहीं तो तू गदा ढूंढने निकला होगा, पर ये मार्च का महीना में परमेश्वर तुझे लोकेट करे यीशु के नाम में, परमेश्वर तुझे लोकेट करे यीशु के नाम में, क्योंकि ये तेरा सीजन है स्थापित होने के लिए, ये तेरा सीजन है स्थिर होने के लिए, ये तेरा सीजन है कि परमेश्वर तुझे उन्नति में लेके आ सके। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस समय परमेश्वर की खूबसूरती तुम्हारे ऊपर आएगा, तेरा हाथ का काम स्थिर हो जाएगा और वो तेरा हाथ का काम को स्थापित करेगा। वो वचन को एक और बार पूरा तरह पढ़िए सिस्टर। हमारे परमेश्वर की यहोवा मनोहरता हमारे ऊपर प्रकट हो, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। यहां मैंने बोला है, जब भी एक वचन को दो बार लिखा जाता है उसका अहमियत है, ऐसा तो मैं निश्चय बताना चाहता हूं। एक और बार मैं निश्चय बताना चाहता हूं, ये मार्च का महीना में तेरा हाथ का काम को परमेश्वर दृढ़ करने वाला है, स्थिर करने वाला है, स्थापित करने वाला है। तो अगर तुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये महीना है, शुरू करो, क्योंकि वो तेरा हाथ को दृढ़ करने वाला है। नया प्रोजेक्ट्स को चालू करने के लिए सोच रहा तो यही तेरा महीना है, शुरू करो, वो तेरा हाथ को दृढ़ करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये उसका भविष्यवाणी है तो ये मार्च का महीना नया फाइनेंशियल शुरुआत का महीना हो जाए यीशु के नाम में, नया शुरुआतों का महीना हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। नया शुरुआतों को करने के पीछे एक आत्मीय मर्म है। नया शुरुआत समृद्धि में नहीं होता है, नया शुरुआत हमेशा कंगाली में शुरुआत होता है। हालेलुया। जब तेरे पास बहुत है तो कुछ नहीं सोच पाओगे, पर तेरे पास जब कुछ नहीं है कुछ नया सोच पाओगे। ऐसा तो मार्च महीना तक तेरे पास कुछ भी इसलिए नहीं था क्योंकि परमेश्वर तुझे मजबूर करना चाहता था कुछ नया सोचने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नया शुरुआतों का एक और मर्म है, जो तेरा कमी है वही तेरा समृद्धि का कारण है। हालेलुया। जो तेरा कमी है वही तेरा समृद्धि का कारण है। हालेलुया। कितना लोग आत्मा में उसको पा रहे कुछ मुझे मालूम नहीं, पर ये महीना कुछ नया शुरुआत हो जाए तेरे जिंदगी में, कुछ नया शुरुआत हो जाए तेरा परिवार में, कुछ नया शुरुआत हो जाए तेरे सेवकाई में। हालेलुया, हालेलुया। पर एक चीज याद रखना जरूरी है, जिस समय हमको लगता है कि हम स्थिर हो रहे हैं, महिमा को अनुभव करते हैं, महिमा और अहंकार के बीच में एक पतला सा ही रास्ता है। बहुत सारे बार लोग महिमा और गर्व को सही तरह समझ नहीं पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मान लो परमेश्वर मुझे एक अच्छा गिफ्ट दिया है और मेरे गिफ्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा गिफ्ट मेरा खुशी का कारण है, पर सोचने वाला का तरीका अलग है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए मेरा गवाही घमंड है, पर जिसके लिए मेरे से ज्यादा है मेरा गवाही उसके लिए प्रोत्साहन का कारण है। अब सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर ने अगर मुझे एप्पल का टैबलेट दिया है तो जिसके पास नोकिया का 1000 वाला मोबाइल भी नहीं है, मेरा गवाही उसको उन्नति में नहीं लाता है पर उसमें जलन पैदा करता है और वो बोलेगा कि ये पास्टर गमंडी है, गर्व अहंकार दिखाता है उसका, इसके बारे में बात कर रहा है। पर जिसके पास ऑलरेडी है उसके लिए खुशी का कारण है, परमेश्वर जो मुझे दिया इसको भी दे दिया। हालेलुया। मेरा प्रार्थना यह है तेरा सोचने का तरीका बदल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूं जब कोई आशीषित होता है उस आशीष में अगर तुम खुशी मना पा रहा तो तू क्वालिफाई हो चुका है उस आशीष को पाने के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं घर बनाने समय में, मेरा घर बनने में अगर तुझे खुशी है तो तू क्वालिफाई हो चुका है तुम्हारा खुद का घर बनाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। मेरा सेवकाई का खुशी में अगर तुम सहमत हो रहा है तो तू क्वालिफाई हो चुका है तेरा सेवकाई का खुशी को अनुभव करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। पर हम लोग ये चीज इस दुनिया में देखते हैं कि लोग स्थिर होने समय में बिना जाने गर्व से भर जाते हैं। बाइबल गर्वियों के बारे में क्या कहता है मालूम है? नीति वचन उसका 15वां अध्याय उसका 25वां वचन में ऐसा लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 25। यहोवा अहंकारियों का घर को ढा देता है, घर को ढा देता है परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। हालेलुया हालेलुया। यहां अहंकारियों के बारे में और विधवा के जैसा नम्र परिस्थिति वालों के दो तरीका के वालों के बारे में बात करता है। विधवा कभी भी गर्व नहीं कर सकता है क्योंकि उसका गर्व का कारण जो उसका सर है, उसका पति है, उसको वो खो चुका है। इसलिए एक विधवा कभी भी अहंकार नहीं दिखा सकती है। पर जो गर्व करता है, कभी कभी हम हमारे जिंदगी में हमारे पास जो है उसको हम जानते हैं पर हम दुनिया को वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास वो है जो असली में हमारा नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत सारे लोग जो कंगाल है वो ही ज्यादा दिखाने का कोशिश करते हैं क्योंकि जो अमीर है उसको दिखाने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही दिख जाता है। एक प्रभु का दास कल जीसस कॉल्स का प्रेयर टावर का इनॉग्रेशन में मेरा परिचय दे रहा था। ये तो करोड़पति आदमी है। मैं तुरंत बोला आमेन, आई रिसीव दैट प्रोफेटिक वर्ड। वो बंदा को समझ में नहीं आया मैं क्या बोला। मैंने क्या बोला? आई रिसीव दैट प्रोफेटिक वर्ड मैन ऑफ गॉड। यस बोला ये आदमी है ना बहुत करोड़पति आदमी। आई रिसीव आमेन हालेलुया। तेरा दुश्मन तेरा भलाई के बारे में भविष्यवाणी करे यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। कोई आके तुझसे झगड़ा कर रहा है तू बड़ा आदमी समझ रहा है ना, बोल आई रिसीव आमेन। जो तू बड़ा सेठ जी समझ रहा है, आई रिसीव हालेलुया हालेलुया। जो तुम विश्वास करोगे वो ही तुम बनोगे, जो तुम विश्वास करोगे वो ही तुम बनोगे। हालेलुया। तेरा घर वाला बोलता होगा इतना से हर दिन मीटिंग क्या करना है, तू पास्टर है क्या? बोलना आई रिसीव। हालेलुया हालेलुया। और तू जाए बिना कोई गाना नहीं गाएगा क्या? आई रिसीव आमेन। हालेलुया हालेलुया। देखिए गर्व है कि क्या है, हमारा सोचने का तरीका के ऊपर है। पर जो सचमुच गर्व करता है परमेश्वर उसका घर को नाश करता है। हालेलुया।
ओ पर धर्मी हमेशा बने रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने साल का मेरे सेवकाई का एक ही सीक्रेट है कि मैं गर्व किए बिना रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं बोलता हूं परमेश्वर तू कितना भी बड़ा बड़ा काम मुझसे करा ले, प्रभु मुझे नम्र रखिए। और आज ये प्रार्थना तुम्हारा प्रार्थना भी बने। तुम्हें कितना भी बड़ा नौकरी हो, परमेश्वर से बोलो परमेश्वर मुझे नम्र रखे। बाइबल कहता है क्योंकि परमेश्वर के हाथ के नीचे जो नम्र रहेगा उसको परमेश्वर उठाएगा। हालेलुया, ये तेरा सीजन है नम्र बनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नया नियम में पौलुस तीमोथियुस को लिखने समय में उसका मन में एक ही इच्छा रखता है। पहला तेसलोनियों का 3वां अध्याय उसको 2वां वचन, पहला तेसलोनियों का 3वां अध्याय उसको 2वां वचन कि और ये प्रार्थना मेरा आपके लिए है जो उसका इस मंडली का आत्मीय बच्चे हैं। जिस तरह पौलुस तीमोथियुस को लिखता है और यही मेरा प्रार्थना है आपके लिए। हालेलुया, पढ़िए। और हमने तीमोथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है इसलिए भेजा कि वो तुम्हें स्थिर करे, वो तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। ओ तेरे विश्वास के विषय में तुझे समझाए। हालेलुया, हालेलुया। यही हमारा प्रार्थना है आपके लिए कि परमेश्वर आपको स्थिर करे, आपका विश्वास का विषय में आपको समझाए। हालेलुया, मेरा प्रार्थना है कि आपको विश्वास का परिस्थिति आप समझ जाए यीशु के नाम में, आपका विश्वास का परिस्थिति आप समझ जाए यीशु के नाम में, आपका विश्वास का परिस्थिति आप समझ जाए यीशु के नाम में। जितना तेरा विश्वास है उतना ही तेरा आशीष है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बेटी सोनी ने एक गवाही दिया, उसका शरीर दर्द हो रहा था, एलिस पिया हुआ बोतल में उससे वो भी पीने से चंगा होगा बोल के उसको विश्वास लगा, उसका विश्वास उतना बड़ा था उसका चंगाई भी उतना तुरंत हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है तो आज तेरा विश्वास तेरे ऊंचाई में तुझे लेके जाए, आज तेरा विश्वास तेरे ऊंचाई में तुझे लेके जाए, आज तेरा विश्वास तुझे ऊंचाई में लेके जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियों का 10वां अध्याय उसको 3वां वचन, रोमी उसको 10वां अध्याय उसका 3वां वचन। क्योंकि क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित कर, ओ अपनी धार्मिकता में स्थापित हुआ। ये देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की उद्देश्य के आप स्थापित हो, परमेश्वर की उद्देश्य के आप स्थिर बने, ये कोई डाउट नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको शक्ति दे धन बनाने के लिए, परमेश्वर चाहता है कि आप स्थिर बने, विस्तार करें, बड़ा संख्या में बढ़े, परमेश्वर चाहता है कि उसको खूबसूरती आपके चेहरे ऊपर बने रहे, परमेश्वर चाहता है कि आपका हाथ का हरे के काम स्थिर हो जाए, परमेश्वर चाहता है कि आपका विश्वास का परिस्थिति आप जाने। पर याद रखिए आपका धार्मिकता और परमेश्वर का धार्मिकता में अंतर है, क्योंकि धर्मी जन ही विश्वास के द्वारा जी सकता है। हालेलुया, धर्मी को परमेश्वर बर्बाद नहीं होने देगा, वो पूरा देश को नाश करना पड़े फिर भी सोदम और गोमरा में एक परिवार जिसको उसको लगा कि धर्मी है उसको बचाने का इच्छा परमेश्वर ने लिया, पूरा दुनिया को बाढ़ से डुबाने का योजना बनाने वाला परमेश्वर एक नूह और उसका परिवार को धर्मी ठहरा के उसके ऊपर बर्बादी आने नहीं दिया। उसका मतलब यह है अगर तू सचमुच धर्मी है तो तू बर्बाद नहीं हो सकता है।
हालेलुया। पर परमेश्वर की धार्मिकता और आपका धार्मिकता में अंतर है। मनुष्य सोचता है कि हर संडे जाने से वो व्यक्ति धर्मी हो गया। मनुष्य सोचता है हर मीटिंग अटेंड करने से वो धर्मी हो गया। मनुष्य सोचता है हर हफ्ता ऑफरिंग देने से वो आदमी धर्मी हो गया। मनुष्य का तरीका है, सोचने का तरीका अलग है, पर परमेश्वर का धार्मिकता का तरीका एकदम अलग है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कहता है मालूम है? बाइबल कहता है मनुष्य अपने धार्मिकता में स्थापित होना चाहता है और उसके चलते वो परमेश्वर की धार्मिकता के नीचे समर्पित नहीं हो पाता है। तुम गर्वी गर्व से भरा हुआ व्यक्ति है बोल के कैसे मालूम पड़ेगा? मालूम है जब तुम बात नहीं मानता है, जब तुझे बात मानने का इच्छा नहीं है, जब तुझे अनुच्छेद करने का मन नहीं है, तुम गर्वी ठहराएगा। पर आज तुम्हारे लिए खुशखबरी है, परमेश्वर का धार्मिकता विश्वास के द्वारा हम पाते हैं। हालेलुया। इस इतवार के दिन में जो परमेश्वर इच्छा रखा है तुझे स्थापित करने के लिए, स्थिर करने के लिए, तुम्हारे सोच के हिसाब से धर्मी बनने का कोशिश मत करो, परमेश्वर की धार्मिकता के नीचे अपने आप को समर्पित करो। जिस वक्त तू परमेश्वर की धार्मिकता के नीचे समर्पित करेगा, उसके वचनों को अनुचर करना तुम्हारे लिए मेहनत से भरा हुआ चीजें नहीं, बल्कि वो तेरे जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का पल बन जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर को स्मरण करना तुम्हारे लिए पहाड़ तोड़ने जैसा मेहनती चीज नहीं, बल्कि तेरे जिंदगी में खुशी और आनंद का समय बन जाएगा। इसलिए दाऊद कहता है जब मैंने सुना कि वो परमेश्वर के भवन में जा रहा है, मेरा हृदय आनंदित हुआ। क्यों आनंदित हुआ मालूम है? परमेश्वर के वचन को अनुचर करना, उसको उपस्थिति को अनुभव करना परमेश्वर का दास राजा दाऊद के लिए रिवाज नहीं था, बल्कि उसके जिंदगी का मुख्य लक्ष्य था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करना चाहता है मालूम है? वो तुझे इस हद तक स्थापित करना चाहता है कि सुबह और शाम जिस तरह आदम और हव्वा के साथ चलने के लिए आया, वो तेरे जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलना चाहता है। पर खाली एक ही विषय परमेश्वर आज बोलता है, मेरे धार्मिकता के नीचे अपने आप को समर्पित करो। पौलुस स्पष्ट रूप में वहां लिखता है, वो बोलता है तुम में से अनेक तुम्हारे धार्मिकता में स्थापित होना चाहते हो, पर जिसके चलते वो परमेश्वर की धार्मिकता के नीचे नहीं आ पाते हो, पर आज परमेश्वर की धार्मिकता के नीचे अपने आप को समर्पित करो। मैं वही चीज आपको बताना चाहता हूं जो अल्केना का पति ने उससे बोला, जो तुझे बला लगे, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, तुम उसी तरह तैयारी के साथ एक श्रेष्ठ समर्पण परमेश्वर की सन्निधि में करो। इन दिनों में परमेश्वर तुझे तैयार करना चाहता है। मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग का महीना है। अप्रैल का महीना एक नया शुरुआतों का महीना है। अगर ऐसा है तो ये मार्च का महीना तुम्हारे लिए प्रिपरेशन का महीना हो जाए। यीशु के नाम में महानता में बढ़ने के लिए प्रिपरेशन का महीना हो जाए। अगर तुम तैयार रहते अपने जगह में खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करते हुए प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे और प्रभु से बोलेंगे, प्रभु जी मैं अपने आप को समर्पित करता हूं,
प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। हर कोई अपने आंखों को बंद करते हुए मुंह खोलते हुए प्रभु को धन्यवाद देना चालू करे। हालेलुया 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 धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। मुंह खोलते हुए स्तुति करे, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करे। धन्यवाद देंगे उसको, स्तुति देंगे। हालेलुया हालेलुया। हमारा प्रिय परमेश्वर, हम इस इतवार के समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन के द्वारा तूने हमसे बातें किया, आप हमें स्थापित करना चाहते हैं, आप हमें स्थिर बनाना चाहते हैं, आप अपने हाथों का कामों को स्थिर करना चाहते हैं, आप हमें स्थिर करना चाहते हैं, हमें धन बनाने का बल देना चाहते हैं, आपका खूबसूरती को हमारा चेहरा के ऊपर प्रकट करना चाहते हैं, आप हमें ही नहीं हमारा परिवार को स्थापित करना चाहते हैं, हमारी जिंदगी को स्थापित करना चाहते हैं प्रभु जी। इस इतवार के समय में आपके धार्मिकता के लिए धन्यवाद देते हैं। हम पापी थे पर आपने हमें चुना प्रभु, हम योग्य नहीं थे पर आपने हमें योग्य ठहराया प्रभु। जिस तरह हमने वर्शिप के टाइम में गाया प्रभु, ओ जैसा महान परमेश्वर आप है, हम योग्य नहीं थे पर आपने सब कुछ हमें दिया है परमेश्वर। योग्यता से बढ़कर आपने हमें प्रेम किया, योग्यता से बढ़कर आपने हमें कृपा दिखाया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस इतवार के समय में आपका बलवंत हाथ के नीचे हम अपने आप को नम्र करते हैं और उस हाथ के नीचे हम लाते हैं प्रभु। अगर हमारे जिंदगी में घमंड का कोई भी बातें हैं तो यीशु के नाम में पवित्र आत्मा परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, उस बातों को आप हटा के फेंकिए परमेश्वर, उसको हटा के फेंकिए परमेश्वर, हमें नम्र करिए, क्योंकि तेरा वचन कहता है अपने आप को नम्र करो ताकि मैं तुझे उठाऊंगा। प्रभु हम आपके बलवंत हाथ के नीचे लाते हैं, तो अपने आप को हम अपने आप को लेके आते हैं परमेश्वर, आपके धार्मिकता के नीचे हम अपने आप को समर्पित करते हुए हम अपने जिंदगी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इस कमरे में आए हुए मेरे आवाज को सुनने वाले, मुझे देखने वाले हर एक एक भाई बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। ये मार्च का महीना में आप वो लोग को लोकेट करें यीशु के नाम में, उसका परिस्थितियों में आप उसको उठाए, उच्च स्थानों में बैठाए यीशु के नाम में। और मैं प्रार्थना करता हूं वो और उसका परिवार स्थापित हो जाए, उसका हाथ का काम को स्थिर करे यीशु के नाम में। धन्यवाद देते, आपने हमारा प्रार्थना सुना है, सब घनता और महिमा तेरे नाम को देते हुए यीशु नाज़री का नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन। अभी पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम हर कोई के साथ सदा समय तक बने रहे, आमेन।